गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, दिस इज़ वरुणा शर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं विवरा क्लासेस में आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो आज भी हम जनरल बात करेंगे आज इस वीडियो में एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है। ठीक है, तो देखिए हमारी बॉडी में बहुत सारे नाइट्रोजिनस इंटरमीडिएट रिएक्शंस होते हैं या मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। तो जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रहे हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस का मतलब ये है कि जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके कोई बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं या कोई बड़ा मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेकअप हो रहा है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, तो वो जो रिएक्शंस हैं प्रोसेसेस हैं दैट इज़ मेटाबॉलिज्म। तो मैं बात कर रही थी कि हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, तो उन केमिकल रिएक्शंस में मीन्स मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, कुछ नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं। ध्यान से सुने आप, नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल या सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं ह्यूमन बॉडी और एनिमल बॉडी में। तो उन नाइट्रोजिनस वेस्ट सब्सटेंसेस को रिमूव कराना होगा, क्योंकि तो वेस्ट सब्सटेंस हैं, नाइट्रोजिनस सब्सटेंस हैं, हार्मफुल होते हैं, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, बड़े ही हार्मफुल होते हैं ये, तो इन सबको रिमूव कराना होगा। ठीक, सो व्हाट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम, इट इज़ द सिस्टम ऑफ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम ह्यूमन बॉडी और फ्रॉम बॉडी ऑफ एनी एनिमल, दैट इज नोन एज एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये जो नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल हैं, दिस में भी अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, और ये जनरली जो है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से डेवलप होते हैं। तो जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है उससे यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब अमोनिया डेवलप होते हैं। इनमें ये जो अमोनिया है इट इज़ हाईली टॉक्सिक, बहुत ज़्यादा ये नुकसानदायक होती है हमारी बॉडी में। तो लीवर है, लीवर जो है ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू इसको लेस टॉक्सिक सब्सटेंस यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो बनता तो हमारी बॉडी में भी है अमोनिया, बट हमारी बॉडी में जो है एक ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू जो है लीवर कन्वर्ट कर देता है अमोनिया को यूरिया में, और हाईली टॉक्सिक अमोनिया लेस टॉक्सिक यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी में अमोनिया अमोनिया की ही फॉर्म में रहता है, तो ऐसी बॉडी को नुकसान ज़्यादा पहुंचा सकता है बिकॉज इट इज़ हाईली टॉक्सिक। तो इनको क्या होता है कि रिमूव करने के लिए, अमोनिया को रिमूव करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की ज़रूरत होती है। तो जब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की ज़रूरत है तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कहाँ मिलेगा, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म्स में ज़्यादा मिलेगा। तो ज़्यादातर जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म्स हैं वो अमोनोटैलिक होते हैं, मीन्स उनमें जो वेस्ट मटेरियल है वो अमोनिया होगा। इसी के साथ साथ यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड लेस टॉक्सिक होता है, कम होता है ये टॉक्सिक, और इसको जो है थोड़े से पानी के साथ ही रिमूव कर सकते हैं, या यानी ये जो है पैलेट की फॉर्म में या पेस्ट की फॉर्म में भी रिमूव किया जा सकता है। ठीक है बेटा, तो ये तो थे, हमने बात की नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल के बारे में। अब हम कह रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल ऑर्गेनिज्म्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। फर्स्ट इज अमोनोटैलिक, सेकंड इज यूरियोटैलिक एंड थर्ड वन इज यूरिकोटैलिक। ठीक है, अगर वेस्ट मटेरियल अमोनिया है सो वो ऑर्गेनिज्म होंगे अमोनोटैलिक एंड दैट फिनोमिनन इज नोन एज अमोनोटैलिज्म। अगर वेस्ट मटेरियल यूरिया है तो ऑर्गेनिज्म होंगे यूरियोटैलिक एंड फिनोमिनन इज नोन एज यूरियोटैलिज्म। और अगर वेस्ट मटेरियल यूरिक एसिड है तो वो ऑर्गेनिज्म्स होंगे यूरिक एसिड है तो यूरिकोटैलिक एंड फिनोमिना इज नोन एज यूरिकोटैलिज्म। क्लियर, तो अभी हम बात करते हैं सबसे पहले अमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म्स के बारे में। तो जो अमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म्स हैं, जैसे कि अभी हमने देखा कि इन ऑर्गेनिज्म्स में जो है वेस्ट मटेरियल अमोनिया है, अमोनिया इनकी बॉडी से एज वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो इनमें जो है नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल वो अमोनिया की फॉर्म में डेवलप हो रहा है, और अमोनिया जो है पानी में डेवलप हो जाती है डायरेक्टली डिफ्यूज़न प्रोसेस से। ठीक है, बॉडी सरफेस के थ्रू, या अगर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म्स हैं, फिशेस वगैरह हैं, गिल्स हैं, तो गिल्स की सरफेस के थ्रू भी ये डायरेक्ट वाटर में डिसॉल्व हो जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। ठीक, अमोनियम आयंस की फॉर्म में। क्लियर, तो अमोनिया जो है वो बॉडी सरफेस से या गिल्स सरफेस से अमोनियम आयंस की फॉर्म में
डायरेक्ट डिफ्यूजन प्रोसेस से पानी में घुल जाती है, यानी पानी में रिमूव की जा सकती है। इसमें किडनी का कोई रोल नहीं होता, किडनी इसमें कोई सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करते हैं अमोनिया के रिमूवल में, ठीक है। इस बात पर आप ध्यान करेंगे क्योंकि ये बॉडी सरफेस से हो रहा है, ठीक है, या गिल सरफेस से हो रहा है और डायरेक्ट डिफ्यूजन प्रोसेस से हो रहा है। अब ये किन किन ऑर्गेनिज्म्स में होगा? जनरली जो बोनी फिशेज हैं उनमें, एक्वेटिक एम्फीबियंस हैं उनमें, या एक्वेटिक इंसेक्ट्स हैं उनमें, यानी बोनी फिशेज में जैसे रोहू वगैरह हैं, एक्वेटिक एम्फीबियंस में, एक्वेटिक इंसेक्ट्स में, और टेटपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग इज ऑल्सो अ मोनोटैलिक, ठीक। नेक्स्ट आप देखिए यूरिकोटैलिक, यूरिकोटैलिक जो ऑर्गेनिज्म्स हैं, यूरिया इनमें मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल होगा, और ये यूरिया तो लेस टॉक्सिक होगा देन अमोनिया, अमोनिया के कंपैरिजन में ये लेस टॉक्सिक होगा, ठीक, एंड लेस सॉल्युबल इन वाटर। पानी में जो है ये बहुत ज़्यादा डायरेक्टली, जैसे ये रेडिली सॉल्युबल था तो ये उतना जल्दी घुलता भी नहीं है, तो वैसे क्योंकि ये टॉक्सिक नहीं है तो बॉडी में कुछ टाइम तक ये स्टे कर सकता है, ठीक है, कैन स्टे फॉर सम टाइम इन द बॉडी। और किडनीज का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होगा इसको रिमूव करवाने में, क्योंकि ब्लड से यूरिया को अलग करना ये किडनी का ही काम है। किडनीज हमारी बॉडी में फिल्टर कर रही हैं, ब्लड को फिल्ट्रेशन कर रही हैं, तो छलनी का काम कर रही हैं, ये एक तरीके से छान देंगी बिल्कुल, ब्लड को अलग कर देंगी और यूरिया को अलग करेंगी। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ कि यूरिया का बहुत ही स्मॉल अमाउंट हमारी बॉडी में रह भी जाता है, सारा का सारा किडनी नहीं फिल्टर कर पाती हैं या ट्यूब्यूल उसको वापस रीअब्जॉर्ब कर लेता है, वो किस लिए? बॉडी का ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करने के लिए, ठीक। तो किडनी जो है नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को रिमूव भी कर रही है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी हैं, साथ साथ किडनीज जो हैं ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन भी हैं। ऑस्मोरेगुलेटरी का मतलब होता है कि बॉडी में वाटर मिनरल बैलेंस मेंटेन करना, क्लियर। तो किडनीज जो हैं सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रही हैं इन द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल एंड ऑल्सो मेंटेन्स ऑस्मोलैरिटी इन द बॉडी, बॉडी में ऑस्मोलैरिटी भी मेंटेन करेंगे। अब इसमें ये किन किन ऑर्गेनिज्म में मिलेगा? फॉर एग्जांपल मैमल्स हो गए, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस हो गए, कार्टिलेजिनस फिशेज हो गए, उनमें ये मिलेगा। ध्यान रखिए फिशेज टू टाइप्स के हैं, एक होते हैं बोनी फिशेज और एक होते हैं कार्टिलेजिनस फिश। बोनी फिशेज अमोनोटैलिक हैं और कार्टिलेजिनस फिशेज जो हैं वो यूरियोटैलिक हैं, क्लियर। थर्ड वन आप देखिए, थर्ड वन जो है वो है यूरिकोटैलिक। यूरिकोटैलिक में जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है दैट इज़ यूरिक एसिड। अब यूरिक एसिड जो है यूरिया से भी कम टॉक्सिक है, तो ये नॉन टॉक्सिक कह सकते हैं हम इसको, या वेरी लेस टॉक्सिक है ये सब्सटेंस, और पानी में ज़्यादा घुलता भी नहीं है और इसको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए बॉडी से रिमूव करने के लिए। ये जो है या तो पेस्ट की फॉर्म में या पैलेट की फॉर्म में बॉडी से रिमूव किया जाता है, और क्योंकि ये नॉन टॉक्सिक है, वेरी लेस टॉक्सिक है, तो कैन बी रिटेन्ड इन द बॉडी फॉर ए कंसीडरेबल टाइम, यानी कुछ टाइम तक ये जो है कंसीडर किया जा सकता है, बॉडी में रिटेन रह सकता है। और वैसे तो देखा जाए क्योंकि पानी में ये घुल नहीं रहा, तो ज़्यादातर ऐसे ऑर्गेनिज्म में ये प्रोड्यूस होता है कि जिनको या तो पानी मिल नहीं पाता या मिलता है तो बहुत ज़्यादा पानी पी भी नहीं पाते, तो पानी का कहीं ना कहीं शॉर्टेज सा ही रहता है इनकी बॉडी में। तो इनमें जो है मिनिमम लॉस ऑफ वाटर होगा, पानी लॉस भी बहुत कम होता है इनकी बॉडी से, ठीक। तो ये जो है इसमें अगर हम एग्जांपल्स लें तो रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, लैंड स्नेल्स हैं, कुछ एक इंसेक्ट्स हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं, क्लियर। तो अभी हमने जाना कि एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, एक्सक्रीशन प्रोसेस क्या है, और ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल ऑर्गेनिज्म्स थ्री को, यानी एनिमल्स को हम थ्री कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक एंड यूरिकोटैलिक, क्लियर। इसी के साथ साथ हम जानेंगे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं। सो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं? द ऑर्गन्स विच आर यूज्ड फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम एनी एनिमल बॉडी, दैट इज दैट नोन एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, उन्हीं को हम कहते हैं और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। और ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑर्गेनिज्म्स में अलग अलग हैं, बहुत टाइप के हैं, तो कहीं पर तो जनरल बॉडी सरफेस से ही एक्सक्रीशन हो रहा है, कुछ एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म तो जनरल बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन से ही कर देते हैं, जैसे अमीबा है, अमीबा तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के थ्रू ही कर देती है, है ना। तो ऐसे ही जो हैं और भी ऑर्गेनिज्म्स हैं जिनमें पर्टिकुलर
और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें इनवर्टिब्रेट्स में जो है प्रिमिटिव टाइप ऑफ किडनी प्रेजेंट होती है, जो कि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे प्रोनेफ्रिक किडनी हो गई, मीजोनेफ्रिक किडनी हो गई, तो मोस्टली प्रोनेफ्रिक किडनी होती है और ये जो है एक्सक्रीशन का काम करती हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट को एलिमिनेट करती हैं बॉडी से। वर्टिब्रेट्स में जो है मीजोनेफ्रिक एंड मेटानेफ्रिक किडनीज होती हैं। जैसे जैसे हम वर्टिब्रेट्स में एडवांसमेंट की तरफ बढ़ते जाएंगे, वहाँ पर मीजोनेफ्रिक, जैसे फ्रॉग है तो मीजोनेफ्रिक किडनी है, और अगर ह्यूमन बींग्स हैं तो मेटानेफ्रिक किडनीज हैं, बर्ड्स हैं तो मेटानेफ्रिक किडनीज हैं, उनके थ्रू जो है एलिमिनेशन होगा नाइट्रोजनस वेस्ट मटीरियल का। फ्लेम सेल्स और प्रोटोनेफ्रिडियाज हैं, ठीक है, ये प्लैटीहेलमिंट्स के अंदर, फ्लेम सेल्स खास तरह के सेल्स होते हैं जो प्लैटीहेलमिंट्स में, जैसे कि प्लानेरिया, रोटीफर्स, इन सब में प्रेजेंट हैं। रोटीफर्स तो वैसे प्लैटीहेलमिंट्स का पार्ट नहीं है, बट हाँ रोटीफेरा एक अलग से ग्रुप है, तो रोटीफर्स में भी फ्लेम सेल्स और प्रोटोनेफ्रिडिया जो हैं एज वेस्ट या एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन काम कर रहे हैं। और एक चीज़ का मैं आपको ध्यान बता दूँ, बार बार ये वर्ड आ रहा है कि जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगा वो ऑस्मोरेगुलेशन भी करेगा, वो ऑस्मोरेगुलेटरी भी होगा, चाहे वो प्रोनेफ्रिक किडनी है, चाहे वो मेटा और मीजोनेफ्रिक किडनीज हैं, चाहे वो फ्लेम सेल्स हैं, कोई भी है, वो ऑस्मोरेगुलेशन भी करेंगे। ऑस्मोरेगुलेशन मतलब ये जो है मेंटेनेंस ऑफ वाटर मिनरल बैलेंस इनसाइड बॉडी और इनसाइड द बॉडी ऑफ एन एनिमल, क्लियर। नेफ्रिडियाज आर प्रेजेंट इन अर्थवॉर्म, एनिलीड्स में प्रेजेंट है मोस्टली तो, और एनिलीड्स में ये भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ट्यूबुलर फनल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि वेस्ट मटेरियल को रिमूव कराते हैं, साथ साथ ऑस्मोरेगुलेशन भी मेंटेन करते हैं, ठीक है, फ्लूइड एंड आयोनिक बैलेंस को भी मेंटेन करना है इन्होंने। मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स, ये जो मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स हैं ये इंसेक्ट्स के अंदर प्रेजेंट हैं, और ये भी वेस्ट को भी रिमूव कर रहे हैं, साथ साथ ऑस्मोरेगुलेशन भी मेंटेन कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो है कुछ एक और भी हैं, मैल्पीजियन ट्यूब्यूल हो गया जो कि इंसेक्ट्स में है, ऑस्मोरेगुलेशन को मेंटेन कर रहे हैं, और एंटीनल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स, ये एंटीनल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स जो हैं ये भी आर्थ्रोपोडा का के ही मेंबर होते हैं, क्रस्टेशियंस, क्रस्टेशिया अलग से ग्रुप है आर्थ्रोपोडा फाइलम में, इनवर्टिब्रेट का फाइलम है आर्थ्रोपोडा, तो क्रस्टेशियंस जो हैं आर्थ्रोपोड्स होते हैं, अगर ब्रॉडली हम लें तो दीज आर आर्थ्रोपोड्स, तो आर्थ्रोपोड्स का ये ग्रुप है क्रस्टेशिया, क्रस्टेशियन फॉर एग्जांपल प्रॉन से आप पहचान सकते हैं, प्रॉन लाइक जो ऑर्गेनिज्म्स हैं उनमें एंटीनल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, फाइन। तो आज की हमने इस वीडियो में हमने कवर किया है एक्सक्रीशन क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट मटीरियल कितने टाइप्स के एनिमल्स हो सकते हैं ना, अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक, साथ साथ हमने डिस्कस किया एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या हैं और अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जो हैं कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा, फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, साथ साथ बेटे स्क्रीनशॉट लेते रहा करें आप वीडियो को देखकर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें,